अक्सर सुना होगा कि आपका कोई सामान गिर गया है लेकिन वो मिलता नहीं। साथ ही कई बार आपने पेपर में भी दे दिया हो चाहे सोशल मीडिया पर, उसके बाद भी आपको सामान नहीं मिलता है। वही गुना में ऑटो चालक ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। ऑटो चालक ने बताया कि जब सवारी छोड़कर घर पहुंचा तो सुबह जब उसने ऑटो की सफाई की तो देखा कि ऑटो में एक पर्स रखा हुआ है जो कोई सवारी छोड़ गई। इसी के चलते वह उक्त सवारी के घर पहुंचा, जहां पर महिला से पूछा कि उसका कोई सामान गुम हुआ है, जिस पर महिला ने बताया कि पर्स उसी का है। इस पर ऑटो चालक ने ईमानदारी का परिचय देते हुए महिला को वो पर्स सुपुर्द कर दिया। आपको बता दें कि उस पर्स में तकरीबन 1.5 लाख रुपए रखे थे। हम सलाम करते हैं इस ऑटो चालक के जज्बे को। रोज आज मुझे बहुत गर्व है कि हमारे भारत के अंदर आज एक छोटे से छोटे वो इतनी ईमानदारी है जिसकी मुझे कोई कल्पना नहीं है। पीछे आ जाओ ना, क्या दिक्कत है? तो ऑटो में बैठे थे, ऑटो में यहाँ पे उतर गए और बैग भूल गया उसके अंदर ही। लेकिन मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज एक बच्चा छोटा सा ना कुछ एक इतनी बड़ी उस पर मजदूरी ही समझो, ऑटो वाले क्या मिलते हैं उनके लिए। उसने अपनी ईमानदारी का बहुत बड़ी मिसाल पेश की है, इसके लिए मुझे बहुत गर्व है ऐसे बच्चों के लिए। भगवान इनको आगे से आगे उच्च शिखर तक पहुँचा। मैं गाड़ी लेके आया था, आंटी को बिठाला, सवारी छोड़ी आंटी को, छोड़ के गाड़ी घर ले आया वापसी। सुबह गाड़ी साफ करने उठा तो बैग मिला आंटी का। मैं आपको घर पे देने आया आंटी को। आपको पता था इसमें पैसे या नहीं है? नहीं, मैंने चेक भी नहीं करा इसको।